लॉरेंस गैंग के सात गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस के गैंग का खात्मा नजदीक आ गया। टोटल सात लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक खतरनाक शार्प शूटर भी है, तीन देसी कट्टे, मैगजीन, सात जिंदा कारतूस। अचानक से सीमा नाम उस माया मैडम का एंट्री होना, महिला गैंग, वो गैंग की सातिर औरत है और वो लॉरेंस गैंग का खर्चा भी उठाती है। क्या ये माना जाए पानीतोष की महिला से इस तरह से घटना को अंजाम देना आसान होता था? क्या पता लॉरेंस गैंग के अलग अलग जो गैंगस्टर जेल में बंद है उनको सूचना भी यही देती हो, और क्या पता लॉरेंस को भी ये सूचना देती हो। लेकिन मैडम माया जो पकड़ी गई है, उसके पकड़ने से लॉरेंस का एक तरह से कहें तो कमर टूट चुका है। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के सात गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सीमा नाम की मैडम है जो माया मैडम के नाम से मशहूर है। उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की है। उसका साफ तौर पे कहना है कि जो लोगों को जो काम दिया जाता था उसका टारगेट होता था, और उसके बाद जिसको जो काम दिया जाता था उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर बारीकी से बातचीत करने के लिए पारितोष हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पारितोष से जानेंगे क्या कुछ नई जानकारी। पारितोष, लॉरेंस गैंग के सात गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ नई जानकारी? बिल्कुल सद्दाम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लॉरेंस के गैंग का खात्मा नजदीक आ गया, क्योंकि लगातार अब खबरें देख रहे होंगे, चाहे अमेरिका में उसके भाई की बात हो या जयपुर में सात लोगों की गिरफ्तारी की बात हो, जिसमें से एक महिला जो मैडम माया के नाम से मशहूर है, जो जेल में बंद जो कैदी होते हैं लॉरेंस गैंग के, उनका खर्चा भी उठाती है, उनके परिवार का भी खर्चा कहीं ना कहीं उठाती है, सूत्र दावा कर रहे हैं, और साथ में छह और बदमाश है। टोटल सात लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक खतरनाक शार्प शूटर भी है, और मैडम माया ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सात सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। महिला जो मैडम माया है उसके साथ सात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में योगेश सैनी एक मुसलमान भी है, मोहम्मद अकील नाम है। मोहम्मद अकील के बारे में बता दूं कि बहुत सातिर है, बहुत खतरनाक है, और लॉरेंस के गैंग से जो भी कहा जाता है वो जरूर करता है, ये बहुत खतरनाक है, बता दूं सद्दाम। और एक बिश्नोई भी है, हरेंद्र बिश्नोई, दीपक सेन, हरेश भाई, सचिन वर्मा, और सबसे खतरनाक सीमा उर्फ मैडम माया। ये मैडम माया बहुत ही खतरनाक है, जो और साथ में तीन देसी कट्टे, मैगजीन, सात जिंदा कारतूस। पारितोष, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे पहले हम सुनते आ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि हमेशा उसका जो गैंग है खाली जेंट्स होता था, युवा होता था, जो आजकल के नए जनरेशन का लड़का होता था वो गैंग में शामिल होता था। अचानक से सीमा नाम उर्फ माया मैडम का एंट्री होना, महिला गैंग। बिल्कुल सद्दाम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अब दर्शक इसके बारे में जान ले, जो सीमा है काफी बुजुर्ग लग रही है और एज भी काफी है, या ऐसा नहीं है कि हष्ट पुष्ट है, कहीं भी कूद के चली जाए, काफी बुजुर्ग है। आप देखेंगे तो जैसे गांव में कोई बुढ़िया नहीं होती है, या शहर में कोई दादी अम्मा नहीं होती है, चलती रहती है, ऐसा लगेगा कि गांव की कोई लड़की है, कोई बुढ़िया औरत है, लेकिन वो गैंग की सातिर आदमी है, सातिर औरत है, और वो लॉरेंस गैंग का खर्चा भी उठाती है। मैं उसके बारे में कुछ जानकारी, बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सद्दाम, बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। पुलिस ने भी गैंग अपहरण, फिरौती, फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देती थी। और गिरफ्तार महिला मैडम जो माया कहा जाता है, उसका नाम भी मशहूर है, इसको सीमा नाम से भी जाना जाता है, जो कि गैंग के सदस्यों के साथ अपने साथ रखती थी, उनको टास्क देती थी। मैडम माया संपर्क के जरिए टास्क देती थी, साथ ही जेल में बंद बदमाशों का खर्चा भी उठाती थी। सद्दाम, आप जेल में देखते होंगे, जेल में भी रहने के बाद भी पैसे लगते हैं। क्या ये माना जाए पारितोष की महिला से इस तरह से घटना को अंजाम दिलाना आसान होता था? सद्दाम, सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने ये कहा है कि जो मैडम माया, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मैडम माया अलग अलग वारदात को अंजाम देने के लिए जेल में बंद गैंगस्टर तक संदेश पहुंचाती थी। क्या पता लॉरेंस गैंग के अलग अलग जो गैंगस्टर जेल में बंद है उनको सूचना भी यही देती हो, और क्या पता लॉरेंस को भी ये सूचना देती हो, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला जब मिलने किसी से जाती है तो कोई ज़्यादा शक नहीं करता है। और किस बदमाश को किस जेल में करना है शिफ्ट, इसके लिए मैडम माया ही रोड मैप तैयार करती थी।
पुलिस ने यह भी कहा है कि मैडम माया ने गैंग के सदस्यों को जमानत करवाने के लिए कई वकीलों को अपने संपर्क में भी रखा था। बड़ी बात। पकड़े गए बनवासों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। जो सात लोग पकड़े गए उनके बारे में बात हो रहा है। लेकिन सद्दाम वकील रखना, वकील के संपर्क में रखना, क्या पता लॉरेंस बिश्नोई को भी एक ना एक दिन ये मैडम माया छुड़ाने की प्लानिंग कर रही हो। क्या पता इसकी प्लानिंग सक्सेस हो जाए तो हो जाती, ऐसे ही तो क्या पता लॉरेंस बाहर छूटा था तब तो और तहलका होता। लेकिन मैडम माया जो पकड़ी गई है, इसके पकड़ने से लॉरेंस का एक तरह से कहें तो कमर टूट चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पारितोष हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसमें क्या कुछ होता है, क्या उसका एनकाउंटर होगा, या फिर पुलिस हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया जाएगा, या फिर से वो जेल से ही वो साजिश रचेगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर बताइएगा। सगजू, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।